वो साड़ी में इतनी खूबसूरत लगती है, उसे देखते ही इस दिल की धड़कन सो के पार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा शिवानी सक्सेना। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ ब्लैक साड़ी स्मोकी आईज मेकअप लुक। इसके लिए मैंने अपने बालों पे हेयर बैंड लगा लिया है ताकि मेकअप करते समय वो फेस पे ना आए। अब मैं मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप कर रही हूँ। अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा बेस अच्छा लगता है। इसके लिए मैं सबसे पहले लोरियल का सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत हाइड्रेटिंग है और वाटर बेस है, जो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और मैं इसे अच्छे से अपने स्किन में एब्जॉर्ब कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, जो भी ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और वाटर बेस है। तो अब मैं जो मॉइस्चराइज़र लगाने जा रही हूँ वो रहा पाउंड्स का लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। इसको भी आप ये मत सोचिएगा कि गर्मी में हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की क्या ज़रूरत है। गर्मी में भी हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट करने की बहुत ज़रूरत होती है, तभी हमारा मेकअप का बेस अच्छा निकल आए के आएगा। आप देखते हैं जब मेकअप करते हैं तो कुछ समय बाद वो केकी लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करा है। इसलिए आपको अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, डॉट डॉट करते हुए मैंने अपने फेस पे और नेक पे दोनों पे मॉइस्चराइज़र और सीरम लगा लिया है और इसको अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर क्या करता है? प्राइमर हमारे पोर्स को ब्लर आउट करता है, हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और एक इवन इफ़ेक्ट देता है हमारी स्किन को। मैं यहाँ पे NY Bay का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा है। आप एक बार इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं अपने टी जोन पे, यानी कि हेड पे, नोज़ पे, चिन पे और चीक्स एरिया पे, जहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं और ऑयल रिड्यूस होता है, वहाँ पे मैं इसको लगा रही हूँ और अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी अपना फाउंडेशन। और मैं अपना फाउंडेशन कौन सा यूज़ लूँगी? मैं लूँगी अपना फेवरेट फाउंडेशन, जो है फिट मी का, जिसमें मेरा शेड है 128। मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लूँगी और उसके बाद उसको वार्म अप करते हुए, डॉट डॉट करते हुए अपने पूरे फेस और नेक पे लगा लूँगी। जब हम साड़ी पहनते हैं या कोई भी ऐसी ड्रेस पहनते हैं जिसमें हमारा नेक दिख रहा होता है, तो हमें अपने फेस के साथ साथ अपने नेक को भी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा फेस और नेक अलग अलग ना लगे। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और उससे टैप डैप करते हुए अपने स्किन पे, अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने ईयर्स पे, सब पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर ले रही हूँ। और जो ब्यूटी ब्लेंडर में फाउंडेशन लगा है उसी को मैं अपने आईज़ पे भी यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई अलग से फाउंडेशन लेके आईज़ पे नहीं लगा रही हूँ, मैं उसी को अपने आईज़ पे लगा रही हूँ। अब मैंने इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया है, नेक से लेके फेस तक। हमें अपने फाउंडेशन की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी रखनी है। जितनी अच्छी आप अपने फाउंडेशन की ब्लेंडिंग रखेंगे उतना ही आपका बेस अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ कि मेरा यह फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है और वो बिल्कुल मेरी स्किन की तरह ही लग रहा है। अब मैं, ये एक स्मोकी आइस पार्टी मेकअप लुक है, इसलिए अब मैं अपने फेस के हाईलाइट पॉइंट को हाईलाइट करूँगी। उसके लिए मैं अपनी स्किन से एक शेड लाइट टोन का फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि है ओलिविया का, जिसमें मेरा शेड है 01। मैं इसको ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड, अंडर द आईज और चिन एरिया पे लगा के ब्लेंड करूँगी। ये इससे क्या होता है, जो हमारे फीचर्स हैं जैसे आईज़ है, नोज़ है, वो हाईलाइट होकर दिखते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आईज़ के नीचे और ब्रिज ऑफ द नोज़ पे एक अच्छी सी शेडो आ गई है, जिससे कि मेरे
ये जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। अब मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और अब मैं क्या करूँगी, अपने मेकअप को लॉक करने के लिए और उसको सेट करने के लिए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, मैं अपने फेस को बेक करूँगी। बेक करने के लिए मैं पाउंड्स का पाउडर ले रही हूँ। ये एक लूज़ पाउडर की तरह वर्क करता है और मुझे बहुत अच्छे से जाता है, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। अब मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ वहाँ मैं लूज़ पाउडर से इसको बेक कर ले रही हूँ ताकि क्रीज़ और फाइन लाइन्स ना पड़े। मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था वहाँ वहाँ इसको लगा के छोड़ दिया है। अब मैं इसको लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस मेकअप वीडियो में भी बताया था, इसको ऐसे लगा के 2 मिनट छोड़ने से हमारे जो स्किन है वो ऑयल को ज़्यादा रिड्यूस नहीं होने देती है। और जो मेरे हाथ थोड़ा सा लूज़ पाउडर बचा था उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर में लेके अपने नेक पे लगा लिया है। अब मैं इसको 2 मिनट छोड़ दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी सबसे पहले अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। अब मैं धीरे धीरे करके अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि हमें आगे की जो साइड की आईब्रो होती है उसको बहुत हल्के से करना है, नहीं तो वो बहुत ऑड लगती हैं और देखने में बुरी लगती हैं। और उसके बाद हमें धीरे धीरे करते हुए अपनी पूरी आईब्रो को उसकी शेप में डिफाइन कर लेना है। देखिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या लूँगी, इसी में जो कोम है उससे अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी। अगर आपको लगे कि आपकी आईब्रोज ज़्यादा ब्लैक हो गई हैं तो आप कॉटन से उसको हटा सकते हैं, बट मेरी इतनी नहीं हुई थी। देखिए अब मैं जो मैंने लूज़ पाउडर लगाया था वो मैं एक ब्रश की हेल्प से डस्ट आउट कर दे रही हूँ और जो बचा है उसको अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर ले रही हूँ। इससे क्या है, हमारा फेस अच्छे से जो है सेट हो गया है और अब हमारा फेस पे ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा और हमारा मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब मैंने सारे पाउडर को डस्ट आउट कर दिया है। ये देखिए डस्ट आउट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी काजल। अब मैं काजल लगा रही हूँ। काजल से अपनी ब्लैक स्मोकी आइज़ के लिए मैं क्या करूँगी, रफली अपनी आईलेट्स पे हल्का सा काजल लगा लूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे रफली सा लगा लिया है। मैं ऐसे दोनों आइज़ों पे रफली सा काजल लगा लूँगी और उसके बाद एक आई शेडो ब्रश से इसको स्मच कर दूँगी। अभी मैं सिर्फ हल्का रफली सा लगा रही हूँ इसको और उसके बाद एक ब्रश से इसको स्प्रेड कर लूँगी आई शेडो की तरह, जिससे हमारा जो स्मोकी आइज़ का मेकअप लुक है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक आई शेडो का ब्रश लिया है छोटा सा और उससे अपनी आईलेट पे जो मैंने काजल लगाया था उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए अब मैंने मिरर लिया है, क्योंकि मुझे कैमरे में इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए मैंने मिरर लेके उसमें देख के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देखिए अभी ये थोड़ा हल्का सा लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा और काजल लेके उस पर स्प्रेड आउट करा है। फिर मैं उसको ब्रश से और अच्छे से आई शेडो की तरह स्प्रेड कर दूंगी, जिससे एक अच्छा सा स्मोकी आई लुक निकल के आएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने क्या करा है, अपने काजल को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। स्मोकी आईज बहुत इजीली आप अगर एक आध बार करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दोनों आँखों में इसको स्प्रेड कर लिया है। ठीक है अब मैं क्या करूँगी, मेरी आईज़ पे ऊपर हल्का सा काजल लग गया था उसको मैंने कॉटन से साफ कर लिया है। ये देखिए अब मैं इसको ठीक कर लूँगी। अब मैं लूँगी एक मल्टी कलर का आई शेडो पैलेट, उसमें से मैं ब्लैक शिमरी शेड लूँगी। ये देखिए ये जो ब्लैक कलर है इसमें थोड़ा सा शिमर है, तो मैं इसको क्या करूँगी, अगर मैं इसको तुरंत नहीं लगाऊँगी तो काजल मेरा वहीं का वहीं सेट हो जाएगा, इसलिए मैं शिमरी कलर का जो ब्लैक कलर का आई शेडो है उसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, जिससे एक स्मोकी आईज़ मेरी अच्छी से दिखाई दे और थोड़ा सा उस पर लुक भी अच्छा आए। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। ऐसे क्या होगा, मेरा आई शेडो जो है वो अच्छे से सेट भी हो जाएगा क्योंकि मैंने नीचे काजल लगाया था। ठीक है अब मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, ब्लैक के ऊपर कॉफ़ी कलर का शेड लेके हल्की सी शेडो दे रही हूँ, क्योंकि मैंने नीचे ब्लैक कलर लगाया है इसलिए उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं उसके ऊपर एक लाइट ब्राउन गोल्डन जो शेड है उसको स्मच कर रही हूँ। देखिए इससे बहुत ही नेचुरल लुक आएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा हल्का सा ब्लैक कलर की स्मोकी आइज लुक हमारा निकल के आया है। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ मैंने इसे कितने अच्छे से कर लिया है। अब मैं क्या ले रही हूँ, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाइनर। अब मैं लाइनर लगा रही हूँ, पेन लाइनर। देखिए ये पेन लाइनर है, मैं इसको
धीरे धीरे करके विंग लाइनर को निकालते हुए हल्का सा विंग बना रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी आईज़ में भी विंग आईलाइनर बना लूँगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। सेम ऐसे ही मैं इसको अपनी दूसरी आईज़ पे भी लगा रही हूँ, ये देखिए। और मैंने इसमें हल्का सा विंग निकाला है ताकि जो हमारी स्मोकी आई का लुक है वो अच्छा सा निकल के आए। विंग बनाने से हमारी आईज़ भी थोड़ी सी बड़ी लगती हैं और वो हमें देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से विंग लाइनर हमारा लग चुका है दोनों आईज़ में, देखिए। अब मैंने क्या करा है, नीचे से इसको हल्का सा अपने आईज़ के पास से लेके ऊपर जो है जोड़ मतलब लग मिक्स कर दिया है ताकि वो लाइनर अच्छा सा देखने में लगे, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से अपने आई शेडो ब्रश से अपने आई शेडो को सेट कर ले रही हूँ ताकि वो देखने में और अच्छा लगे। अब मैं काजल लेके अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ। मैं काजल को अपने लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन दोनों पे लगाती हूँ। इससे हमारी आईज़ बहुत बड़ी लगती हैं और अगर हम लाइनर नहीं भी लगा रहे हैं तो जब हम अपर वाटर लाइन पे काजल लगाते हैं तो बिल्कुल उससे लाइनर का ही लुक आता है। ये देखिए, मैं अपर वाटर लाइन पे भी लगा रही हूँ। ये देखिए, धीरे धीरे करते हुए मैंने अपने लोअर और अपर दोनों वाटर लाइन पे काजल लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी मस्कारा। यहाँ पे मैं इनसाइड का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत अच्छा है। देखिए, अब मैं इनसाइड के मस्कारे से अपने अपर लैशेस और लोअर लैशेस दोनों पे मस्कारा लगा लूँगी। इस मस्कारे के साथ एक कोम भी दिया गया है इसके बैक में, आप अगर चाहें तो उससे उसको कर्ल आउट भी कर सकते हैं अपने जो है लैशेस को। देखिए, अब मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। अब मैं लेती हूँ वही अपना मल्टीपर्पज़ का पर्पस वाला वो आई शेडो पैलेट। इसमें ब्लश के दो शेड दिए हैं, मैं दोनों को अच्छे से मिक्स करके डस्ट ऑफ करके उसको डस्ट ऑफ कर लूँगी और उसके बाद अपने फेस को पाउड बनाते हुए अपने फेस पे लगा लूँगी। ये देखिए, पाउड बनाते हुए अपने ब्लश को लगाने से क्या होता है, हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर मिलता है। आप देख सकते हैं, अभी तक मेरा फेस बिल्कुल फ्लैट लग रहा था, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ब्लश लगाया है हल्के से अपने चीक्स पे और नोज़ पे और चिन पे, आप देखिए मेरे स्किन पे एक जो है फीचर्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए मैंने अच्छे से लाइट पिंक कलर को डस्ट ऑफ करते हुए अपने दोनों फेस पे लगा लिया है, ठीक है। अब मैं लगाती हूँ हाइलाइटर। देखिए, हाइलाइटर हमारे मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखिए, हाइलाइटर लगाते ही मेरे फेस पर एक शाइन ऐड हो गई। ये देखिए आप, कितना हल्का सा मैंने हाइलाइटर लगाया, आप देख सकते हैं। स्माइल करते हुए मैं अपनी चीक्स पे लगा रही हूँ और चीक्स पे लगाते ही मेरे चीक्स पे कितनी अच्छी सी शाइन आ गई है। मैंने इसको हल्का सा अपने फोरहेड पे लगाया है, नोज़ पे लगाया है और दोनों चीक्स पे लगाया है और अपनी ब्राउ बोन्स पे भी लगा लिया है ताकि मेरी आईब्रोज़ थोड़ी हाईलाइट हों। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक ब्रश लेके इसको अच्छे से स्मच कर लूँगी। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसको स्मच कर सकते हैं। ये देखिए, इस हाइलाइटर ने मेरे मेकअप में एक जान डाल दी है और मेरा फेस कितना अच्छा और शाइनी लग रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा, ये भी ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा और बजट फ्रेंडली है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए आपको पता है, लिपस्टिक लगाने से पहले मैं अपने लिप्स को हल्का सा आउटलाइन करती हूँ ताकि लिप्स की एक अच्छी सी शेप निकल गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोई हल्की न्यूड कलर की, कॉफ़ी कलर की भी लिपस्टिक लगा सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर मुझे लगा कि ब्लैक के साथ रेड लिपस्टिक कॉम्प्लीमेंट करेगी, इसलिए मैं यहाँ पर रेड लिपस्टिक लगा रही हूँ। अब मैं अपनी साड़ी से मैच करती हुई एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी लगा लूँगी, क्योंकि अगर हमने इंडियन लुक क्रिएट करा है और उसमें हमने बिंदी ऐड नहीं करी है तो वो लुक हमारा अधूरा रह जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और धीरे धीरे उसे अपने फेस पे टैब आउट कर लूँगी कि अगर कहीं भी ज़्यादा कुछ भी लगा है तो वो अच्छे से ठीक हो जाए। देखिए, अब मैंने यहाँ पर अपनी ज्वेलरी और अपना हेयर स्टाइल बना लिया है। अब मैं यहाँ पर अपने बैंगल्स और रिंग पहन रही हूँ। ये रहा मेरा फुल मेकअप लुक।
आई होप आपको मेरा आज का ब्लैक साड़ी स्मोकी आइज मेकअप लुक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। इस दुनिया में जहाँ सबको बेहतर से बेहतरीन चाहिए, वहाँ मुझे तू चाहिए, तू चाहिए शामो सुबह।